जहां फिल्मी सितारों पर अक्सर देश और दुनिया से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज न उठाने को लेकर दाग लगते रहे हैं, वहीं हाल ही में इजराइल का गाजा के शहर राफा पर गोलीबारी और हवाई हमलों के खिलाफ बॉलीवुड स्टार्स ने एक सुर में आवाज उठाई है। इन दिनों फिलिस्तीन पर इजराइल ने कहर बरपा रखा है और पिछले दिनों रफा पर किए गए जबरदस्त बमबारी में जहां 45 से अधिक लोगों की जाने गई, वहीं फिलिस्तीनियों के शिविर में आग लगने से कई लोग जिंदा जल गए। अब दुनिया भर में इस हमले की आलोचना हो रही है और हर तरफ ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड हो रहा है। इस हमले के खिलाफ प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान और वरुण धवन जैसे सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया पर इस हमले के खिलाफ आवाज बुलंद की है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बिग बॉस OTT2 के विनर एल्विश यादव के पोस्ट की। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने पोस्ट में ऐसा क्या लिखा है जिसकी हर तरफ तारीफ और आलोचना दोनों ही हो रही है। एल्विश यादव का जो पोस्ट है वो इजराइल के खिलाफ नहीं बल्कि पड़ोसी देश पर अटैक करता दिख रहा है। दरअसल यूट्यूबर ने ना तो इजराइल के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है, ना ही फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है। सोशल मीडिया पर वह अलग ही मोड में दिखे। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल ट्रेंड को एडिट कर ऑल आइज ऑन रफा की जगह लिखा ऑल आइज ऑन POK, और अब ये मुद्दा अलग ही रुख लेता दिख रहा है। एक्स पर एल्विश यादव एक बार फिर से ट्रेंड करने लगे हैं और इस बार सांप के जहर को लेकर नहीं बल्कि पाकिस्तान को लेकर चर्चा में है। एल्विश के फैंस जहां उनके पोस्ट की तारीफें कर उन्हें शाबाशी दे रहे हैं, वहीं अब कुछ लोग इसी वजह से फिल्मी सितारों पर भी निशाना साध रहे हैं और एक बार फिर से बॉयकट बॉलीवुड ट्रेंड करने लगा है। काफी लोगों ने एल्विश की तारीफ में कहा कि सच्चा इंडियन ही इंडिया के असली मुद्दों पर बात कर सकता है। उनके फैंस ने लिखा है कि हमें आप पर गर्व है एल्विश। हालांकि एल्विश यादव ने वीडियो शेयर कर ये भी कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि मैंने रफा के लोगों का मजाक उड़ाया है, मैंने जो स्टोरी शेयर की है उसमें मैंने कहीं नहीं लिखा कि मैं किसी का मजाक उड़ा रहा, मैंने बस उस चीज को चेंज करके कहा है। मैंने अपने पोस्ट में बस इतना कहा है कि हम सबकी नजर POK पर है, जो वहां हो रहा है हमारी नजर उस पर है, जो बुरा हो रहा है मैं उसकी निंदा करता हूं, तो प्लीज मेरे बारे में गलतफहमी ना फैलाएं कि मैं किसी का मजाक उड़ा रहा। एल्विश के इस पोस्ट के बाद काफी लोग एक सुर में कहने लगे हैं कि शर्म आनी चाहिए बॉलीवुड के फेक स्टारडम को। इसे देखिए, 24 साल का लड़का भारत के लिए अकेला खड़ा दिख रहा है, मारने की धमकी के बाद भी निडर होकर बोल रहा है। काफी लोगों ने इसे लेकर बॉलीवुड के खिलाफ सुर मिलाया है और हैशटैग बॉयकट बॉलीवुड कहते दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, तब तो बॉलीवुड सितारे आवाज नहीं उठाते, लेकिन फिलिस्तीन के सपोर्ट में जमकर उतरे हैं।